Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, camera की आंख और microphone के उस पार मैं हूं आपका online teacher Mehran Ali. 9th class physics chapter number 8 physical properties of matter. और जी very important question clinical thermometer. सबसे पहले वो लोग जो हमारे इस चैनल पर न्यू हैं अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाजमन सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फिजिक्स 9th, 10th, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स के अगर आप तमाम लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं और केमिस्ट्री के भी मैथ के भी कंप्यूटर के भी बायोलॉजी के भी तो उसके लिए आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब आपको बहुत आला अंदाज में बहुत ही प्यारे लेक्चर्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे और बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और जो नहीं अपलोड हो चुके हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होते रहेंगे बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर की जानी स्टूडेंट्स पेपर में आपसे क्वेश्चन किया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर के डिफाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर या व्हाट डू यू नो अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है आसान लफ्जों में कि वो थर्मोमीटर जिससे डॉक्टर हजरात फिजिशियंस हजरात आमतौर पर हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं जबान के नीचे उसको प्लेस करते हैं या फिर आर्मपिट यानी बगल में प्रेस प्लेस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर फिजिक्स की लैंग्वेज में क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है आइए जानते हैं अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज सबसे पहले आपने क्या करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ और उसके बाद फिर इसमें आपको याद होना चाहिए पता होना चाहिए कि फोर पॉइंट्स हैं क्या हैं अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी उसके बाद फिर आप बताएंगे कि It has a narrow range from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. Dear students, याद रखिएगा, it has a narrow range from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. यानी कि 35 और 42 degree centigrade के दरमियान का temperature measure करने की इसमें ability होती है. उसके बाद, it has a narrow constriction that prevents the mercury to return. इसमें एक कंस्ट्रिक्शन होती है जो मर्करी को ऊपर जाने वाले मर्करी को नीचे आने से वापसी आने से रोकता है यानी कि इट हैज अ कंस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द मर्करी टू रिटर्न उसके बाद इसी की बेस पर अगली बात है वो क्या दस इट्स रीडिंग डज नॉट चेंज अंटिल रीसेट दस इट्स रीडिंग डज नॉट चेंज अंटिल रीसेट आपने देखा होगा फिजिशियंस और पैरामेडिकल स्टाफ जब टेम्परेचर चेक कर चुके होते हैं एक पेशेंट का दूसरे का चेक करना होता है तो उससे पहले वो उसको थर्मोमीटर को क्या करते हैं जर्क देते हैं झटका लगाते हैं उसको रीसेट करते हैं ताकि मर्करी वापसी नीचे आ जाए यानी वो आसानी से नीचे नहीं आता है तो जी अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इट हैज अ नैरो रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड इट हैज अ कंस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द मर्करी टू रिटर्न Thus, its reading does not change until reset. अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरे दो में से दो नंबर मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया है तो काइंडली मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली और जी इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पर आप लोगों से गुफ्तगू होगी लाजमन इसके साथ ही पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपुर्द मौला अल्लाह हाफिज़